Hello students, standard 8 English. We have unit 2, men's relationship with animals. Last time we saw about activity 1 and I explained about activity 2, a secret for 2. I just explained 2 paragraphs. It is a story of Pierre Dupin and horse Joseph. Pierre Dupin और Joseph के बीच कैसा रिश्ता है? जोसेफ एक घोड़ा है और पियरी ड्यूपिन दूध देने का काम करता है. अब तू सेकंड पैराग्राफ आई हैव एक्सप्लेन फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ. विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज पियरी डिड. जोसेफ भी पियरी की तरह दूध के सारे रूट जान चुका था. पियरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेंज. पियरी ऐसा बोलता था कि उसको कभी घोड़े की लगाम पकड़ने की जरूरत ही नहीं हुई. ही नेवर टच्ड द डैम, उसने कभी उसको टच भी नहीं किया. ईच मॉर्निंग पियरी अराइव्ड एट द स्टेबल्स ऑफ द मिल्क कंपनी. रोज सुबह वो 5 बजे आ जाता था. द वैगन वुड बी लोडेड, उसमें सामान भरा जाता था. एंड जोसेफ हिच्ड टू इट, और जोसेफ उसको आगे ले जाता था. पियरी वुड कॉल softly to Joseph. Pierre Joseph ko bulata tha, go on my friend. And this splendid combination would stalk proudly down the street. Pierre usko friend ki tarah bolta tha, go on my friend. Aur wo dono ki bhavya jodi garv ke sath street mein aage badhti thi. The wagon without any direction from Pierre. Aur ye wagon kisi bhi प्रकार की डायरेक्शन के बगैर वो आगे बढ़ता था. इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस, घोड़ा पहले घर पे रुकता था. एलो पियरी परहैप्स 30 सेकंड्स, उसको 30 सेकंड्स देता था टू गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड पुट ए बोतल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर, और उसको दूध की बोतल को रख सके. अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन, और घोड़ा फिर से चल पड़ता था. स्कीपिंग 2 हाउसेस, और दो घर छोड़ के स्टॉपिंग एट द थर्ड, तीसरे घर पे रुकता था. सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द टू वुड गो, दोनों साथ में चलते थे. देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड, और जोसेफ टर्न मारता था एंड कम अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट की दूसरी बाजू में जाता था. यस, जोसेफ वॉज रियली ए स्मार्ट वन. जोसेफ वाकई में स्मार्ट होस्ट था. एट द स्टेबल्स पियरी वुड बोस्ट ऑफ जोसेफ. पियरी था वो जोसेफ के बारे में उसकी तारीफ किया करता था. आई नेवर टच्ड द रेंज, और वो कहता था कि मैंने रेंज को कभी हाथ भी नहीं लगाया. ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप, उसको पता है कि कहाँ रुकना है. व्हाई ए ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब, और वो कहता था कि अरे कोई ब्लाइंड मैन है वो भी मेरा काम कर सकता है. विद जोसेफ पुलिंग द वैगन, अगर जोसेफ है वो दूध की गाड़ी चलाता हो तो एक अंधा आदमी भी मेरा काम आसानी से कर सकता है. सो इट वेंट ऑन फॉर इयर्स, ऐसा बहुत साल तक चला. पियरी एंड जोसेफ ग्रीव ऑल टुगेदर, पियरी और जोसेफ दोनों साथ में बूढ़े होते गए. बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नॉट सडनली, एकाएक नहीं. पियरी's huge walrus mustache was pure white now. पियरी की जो बड़ी लंबी मुछे थी, यहाँ पे walrus का मतलब है बड़ी बड़ी भरावदार मुछे, जो अब सफेद हो चुकी थी. And Joseph didn't lift his knees. और जोसेफ भी बूढ़ा हो गया था, वो अपना पैर उठा नहीं सकता था. जैक्विस जो घोड़ा जो उसका फोरमैन थे, now onto the another page number 11. Joseph, the foreman of the stables, he never noticed that they were getting old. उसका कभी ध्यान ही नहीं गया कि वो दोनों बूढ़े हो चुके थे. Until Pierre appeared one day carrying a big walking stick. लेकिन एक बार जब वो घोड़ी लकड़ी लेकर आया, तब उसको पता चला, हे Pierre, और वो बोलने लगा, हे Pierre, जैक्विस लाभ, Maybe you have gout, hai? मतलब here the meaning of gout is any kind of disease. तो तुम क्या, तुमको कोई disease हुआ है? Yes.
रिप्लाइड पियरली अनसर्टेनली, बट एज वन ग्रोज ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड. पर जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं लेग्स टायर्ड, थक जाते हैं. यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स. तुमको सिखाना चाहिए घोड़े को कि वो दूध की बोतल घर के पास फ्रंट डोर पे रख सके. जैक्विस सेड टू हिम, जैक्विस ने उसको कहा. ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वो सब कुछ कर रहा है. वन मॉर्निंग मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी केम टू इंस्पेक्ट. एक सुबह मैनेजर मिल्क कंपनी का आया टू इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट मतलब यहाँ पे किसी चीज की इंक्वायरी करने के लिए, तपास करने के लिए. फॉर अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी, पॉइंटिंग आउट पियरी, पियरी को दिखाते हुए जैक्विस सेड टू हिम. जैक्विस ने उसको बोला, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स. देखो वो घोड़े के साथ कैसे बात कर रहा है. हु कॉल्स जोसेफ, जिसको जोसेफ बोलते हैं. सी द लुक इन टू द हॉर्स आई, घोड़े की आंख में देखो. आई थिंक दिस टू शेयर ए सीक्रेट, मुझे लगता है कि ये दोनों सीक्रेट शेयर कर रहे हैं. समटाइम्स दे सीम टू चकल एट अस. यहाँ पे चकल मीन्स सप्रेस्ड लाफ. एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग. पियरी इज अ गुड मैन बट ही इज गेटिंग ओल्ड. वो कहते हैं कि पियरी अच्छा आदमी है पर अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है. डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड. तुमको ऐसा नहीं लगता कि उसको रिटायर कर देना चाहिए. एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, उसको थोड़ी सी पेंशन देनी चाहिए. ऑफकोर्स सेड द मैनेजर. मैनेजर ने कहा ऑफकोर्स. ही हैज बीन ऑन दिस रूट नाउ फॉर 30 years. इस रूट पे 30 साल से है. एंड नॉट इवन वंस हैज देयर बीन ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. और कभी भी उसके खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं आई. टेल हिम इट इज टाइम ही शुड रेस्ट. उसको बोलना कि वो रेस्ट करे. इस सैलरी विल गो ऑन द जस्ट द सेम. इसकी सैलरी सेम ही रहेगी. बट पियरी रिफ्यूज टू रिटायर. पर पियरी रिटायर होने से मना करता है. अप टू हियर.